Hey guys, welcome to my channel D17 Vlogs. मैं तुषार सिंह एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो. सो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले रिव्यू ऑन रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 स्टिलर वेरिएंट. तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि रॉयल इनफील्ड मीटियोर में आपको 3 वेरिएंट अवेलेबल है. तो सबसे पहला है फायरबॉल जो कि बेस मॉडल है, एंड सेकेंड वन स्टिलर, एंड जो थर्ड है जो कि सबसे टॉप मॉडल है वो है सुपरनोवा. आज हम बात करने वाले रॉयल इनफील्ड मीटियोर स्टिलर वेरिएंट के बारे में. तो इसकी प्राइस क्या होगी, इसकी माइलेज क्या होगी, इसमें क्या क्या आपको फीचर्स देखने मिलते हैं, और इसमें और सुपरनोवा में क्या क्या डिफरेंस है, तो हम उसके ऊपर बात करने वाले. तो चलो गाइस, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं. तो बात करते हैं रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 स्टिलर और नोवा में क्या डिफरेंस है. तो इसमें आपको डायमंड कट अलॉय व्हील नहीं देखने मिलता है, बट जो सुपरनोवा मॉडल है इसमें आपको डायमंड कट अलॉय व्हील देखने मिलेगा. तो ये हो गया फर्स्ट डिफरेंट गाइस. इंडिकेटर में भी आपको कोई चेंज देखने नहीं मिलेगा. एंड जो सुपरनोवा मॉडल, इसमें आपको डुअल टोन कलर मिलेगा, जो कि इसमें आपको डुअल टोन कलर देखने नहीं मिलेगा. इसमें बस आपको सिंगल कलर टोन देखने मिल जाता है. अगर हम प्राइस की बात करें तो आपको सुपरनोवा स्टिलर से लगभग 10,000 का डिफरेंस है. ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं देखने मिलेगा आपको इन दोनों बाइकों में. अब आगे बढ़ते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की तरफ. प्राइस की बात करें तो इसकी एक शोरूम प्राइस है 1,90,000, एंड इसकी ऑनरोड प्राइस की बात करें तो 2,23,000 ऑनरोड प्राइस थाने है गाइस. अब बात कर लेते हैं इसकी इंजन की. जो है फोर स्टॉक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने मिलेगा. इसमें आपको 349cc का इंजन देखने मिलेगा, जो प्रोड्यूस करता है 20.4 PS एट रेट 6,100 RPM, एंड 27 Nm ऑफ टॉर्क जो प्रोड्यूस करता है एट रेट 4,000 RPM. ब्रेकिंग से देखें तो फ्रंट एंड रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है विद ड्यूबल चैनल ABS, फ्रंट डिस्क ब्रेक विद 300 mm, एंड रियर डिस्क ब्रेक विद 270 mm. सस्पेंशन की देखें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन है, रियर में आपको ट्विन शॉक अब्जॉर्बर विद 6-स्टेप एडजस्टेबल प्री लोडेड सस्पेंशन दिया गया है. अब बात कर लेते हैं इसकी टैंक कैपेसिटी की. तो यहाँ पे आपको 15 लीटर टैंक कैपेसिटी मिलता है, एंड इसकी माइलेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 40 से 42 KMPL का माइलेज मिल जाएगा. टायर की देखें तो फ्रंट में आपको 100x90 का 19 इंचेस का ट्यूबलेस टायर, रियर में आपको 140x17 का 17 इंचेस का ट्यूबलेस टायर दिया गया है. डायमेंशन की बात करो तो यहाँ पे आपको 2,140 mm लेंथ, 845 mm विथ, 1,140 mm हाइट, 1400 व्हील बेस विद ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 170 mm, एंड द कार वेट ऑफ 191 kg है गाइस. इंस्ट्रूमेंट कंसोल फीचर्स की बात करो तो यहाँ पे आपको फुली डिजिटल फीचर्स दिया गया है. तो गाइस, अब बात करते हैं इस बाइक के डाउन पेमेंट के बारे में कि आप कितने से कितना डाउन पेमेंट करके आप बाइक घर ले जा सकते हो. तो रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 स्टिलर के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम 45,000 का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, एंड मैक्सिमम डाउन पेमेंट गाइस ये आपके ऊपर डिपेंड होता है. अब बात करते हैं इस बाइक की EMI के बारे में. तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको कितने से कितने साल का EMI करवाना है. आप 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर तक का EMI करवा सकते हो. अगर आप 1 ईयर का EMI करवाओगे तो आपको 15,815, अगर आप 2 ईयर का EMI करवाओगे तो आपको 8,379, अगर आप 3 ईयर का EMI करवाओगे तो आपको 5,912, अगर आप 4 ईयर का EMI करवाओगे तो आपको 4,678 rupees हो जाएगा गाइस. सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही. सो गाइस, अगर आपको बाइक से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक वीडियो पहुँचाने के लिए. सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो स्टे ट्यून, बाय.